हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आई एम नीतू निगम और मैं अपने चैनल पर क्लास 3rd कंप्यूटर सब्जेक्ट से कंप्यूटर के 5th चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज हमारा पार्ट 2 चैप्टर 5th के, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010, इसके पार्ट 1 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें कि कंट्रोल बटन तक के मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे रिवन। रिवन इज जस्ट बिलो द टाइटल बार। रिवन जो है टाइटल बार के नीचे रहता है। रिवन हैज़ कमांड। रिवन में कमांड्स होते हैं। यू कैन यूज़ रिवन टू वर्क इन एमएस वर्ड 10। इट हैज़ 2 पार्ट्स। रिवन के 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर सम टैब्स ऑन द रिवन। रिवन के कुछ सम टैब्स होते हैं जिनके नाम होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एसेट्रा। क्लिक ऑन द टैब डिस्प्ले ग्रुप ऑफ कमांड। जैसे ही हम टैब पर क्लिक करते हैं तो उस ग्रुप के कमांड्स हमें डिस्प्ले होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूलर। रूलर मेजर विड्थ एंड सो द मार्जिन। रूलर की मदद से हम विड्थ को माप सकते हैं और कितनी मार्जिन लेनी है वह हमें सो होता है। इस प्रकार के 1-2 लिखे हुए ये रूलर्स स्क्रीन पर शो होते हैं। रिवन। रिवन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार। रिवन टाइटल बार के नीचे होता है। रिवन हैज़ कमांड। यू कैन यूज़ रिवन टू वर्क इन एमएस वर्ड 10। रिवन एक कमांड होता है, उसको आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। रिवन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों? टैब्स एंड ग्रुप्स। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर सम टैब्स ऑन द रिवन। रिवन के सम टैब्स होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एसेट्रा। क्लिक ऑन द टैब। जैसे ही हम टैब पर क्लिक करते हैं डिस्प्ले ग्रुप ऑफ द कमांड। ग्रुप के कमांड्स हमें डिस्प्ले होने लगते हैं। रूलर। रूलर मेजर द विड्थ एंड सो द मार्जिन। रूलर जो है विड्थ को मेजर करता है एंड उसकी मार्जिन हमें सो होती है कि मार्जिन कितना लेना है, पेज की चौड़ाई क्या रहेगी। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इज ए लॉन्ग स्ट्रिप विथ एरो एंड स्लाइडिंग सेक्शन एट द एज ऑफ द विंडो। देयर आर 2 स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार एक लंबे स्ट्रिप पट्टी होती है एरो, जो आपके साइड्स में विंडो के लेफ्ट एंड बॉटम पर होती है। ये 2 प्रकार की होती है स्क्रॉल बार। पहला हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इट इज यूज टू शिफ्टिंग द एमएस वर्ड स्क्रीन डिस्प्ले लेफ्ट एंड राइट। स्क्रॉल हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को शिफ्ट करके हम एमएस वर्ड में स्क्रीन को लेफ्ट या राइट हम मूव कर सकते हैं। और सेकेंड स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इट इज यूज टू शिफ्टिंग द एमएस वर्ड स्क्रीन डिस्प्ले अप एंड डाउन। इस स्क्रॉल बार को शिफ्ट करके हम इस एमएस वर्ड स्क्रीन को अप और डाउन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो इज द एरिया वेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट विंडो वो कहलाता है जहां पर हम एमएस वर्ड में टाइप करके लिखते हैं, वो एरिया हमारा डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। इंसर्टेंट पॉइंट। इंसर्टेंट पॉइंट और कर्सर इज द क्लिकिंग वर्टिकल लाइन 1 इन द वर्क एरिया डैट सो द लोकेशन टू इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट पॉइंट या कर्सर ब्लिंक करता है वर्टिकल लाइन पे, इस प्रकार का ब्लिंक होता है और वर्क एरिया जहाँ पे है उससे हमें पता चलता है कि इंसर्ट टेक्स्ट से कि हम किस लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द कर्सर पोजिशन। स्टेटस बार में हमें कर्सर के पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। इट शो पेज नंबर, द कॉलम नंबर एंड द लाइन नंबर। और ये हमें शो करता है पेज नंबर, कौन से पेज पे हम काम कर रहे हैं, कौन से कॉलम पे और कौन से लाइन पे। ये नीचे ये लाइनिंग होती है जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं। ये लाइनिंग जिसमें हमें व्यू पोजीशन पता चलता है, जूम स्लाइडर्स रहते हैं, विड्थ कितनी है, कितने वर्ड हमने लिखे हैं, कितने पेज पर वर्क कर रहे हैं और हमारा कर्सर कहाँ पर है, ये सारे हमें स्टेटस बार में शो होते हैं। व्यू पॉइंट। दिस बटन शो डिफरेंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। व्यू ऑप्शन में
डिफरेंट डॉक्यूमेंट के व्यू पता चलते हैं। जूम स्लाइडर, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वी कैन जूम इन और जूम आउट प्लस आवर डॉक्यूमेंट। जूम स्लाइडर की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में ये माइनस का साइन देकर इसको हम जूम इन कर सकते हैं एंड प्लस का साइन देकर हम जूम आउट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, अर्थात किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिबन, द रिबन इज डिजाइंड फॉर इजी यूज एंड रिस्पॉन्सिव फॉर योर करेंट टास्क। However, you can choose to minimize it if the taking up too much screen space. रिबन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, इसको ईजिली हम यूज कर सकते हैं और करंट टास्क के अकॉर्डिंग उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर हमें ये बताया जा रहा है। जैसे सपोज ये स्क्रीन है, ठीक है, ये मिनिमाइज बटन है, इसको भी हम छोटा मिनिमाइज टास्क बार पे ला सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके स्टेप। वन, क्लिक द एरो द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द रिबन टू इट मिनिमाइज इट। जैसे ही हम एरो पे क्लिक करते हैं अपर राइट कॉर्नर पर, तो रिबन मिनिमाइज हो जाता है, इस प्रकार का मिनिमाइज हो जाएगा। टू, मैक्सिमाइज रिबन क्लिक द एरो अगेन। अगर हमको मैक्सिमाइज करना है तो इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। When the ribbon minimized, you can make it reappear by clicking on the tabs. However, the ribbon will display again when you are not using it. Maximize ribbon को क्लिक करके एरो को अगेन हम क्लिक कर सकते हैं। जब ribbon minimize हो जाता है तो आप इसको reappear भी क्लिक करके कर सकते हैं on the tabs पर। However, ribbon will disappear again when you are not using it. और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो रिबन को हम डिसअपीयर कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर फाइल्स। बैक स्टेज व्यू हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देता है, जैसे सेविंग करना, ओपनिंग करना, प्रिंटिंग करना एंड शेयरिंग योर फाइल्स, फाइल्स को शेयर करना। It is similar to the Microsoft Office button menu for Word 2007 and the file menu from earlier version of Word. यह Microsoft Word Office button के मेनू में Word 2007 and file menu में या Word के पहले वाले वर्जन में भी यह ऑप्शन हमें मिलता था। However, instead to just a menu, its full page view, which makes it easier to work with. इस मेनू को क्लिक करने पे हमें फुल पेज व्यू मिलता है और इसकी मदद से हम ईजियर कोई भी वर्क यहाँ पर इसके साथ कर सकते हैं। हाउ टू गेट द बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू हम कैसे देखेंगे ये ऑप्शन पे हम देखते हैं। क्लिक द फाइल टैब्स, सबसे पहले हम फाइल टैब्स पे क्लिक करेंगे, इन्फो आ जाएगा। नेक्स्ट बैक स्टेज व्यू हम देखेंगे। सेकेंड, यू कैन चूज ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। लेफ्ट साइड ऑफ पेज के हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड टू गेट बैक योर डॉक्यूमेंट क्लिक एनी टैब ऑन द रिबन। रिबन के किसी भी टैब के किसी भी रिबन पर हम क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट के बैक गेट बैक ऑप्शन को देख सकते हैं। Click the button in the interactive below to learn about the different things you can the backstage view. ये backstage view पे इस प्रकार के document हमने क्लिक किए और इसके backstage view ये सारे आपको यहाँ पर क्लिक हो रहे हैं। Next topic है add command to quick access to toolbar. Quick access toolbar से हम add command कैसे क्लिक करते हैं। To add command with the help of quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार में हम किसी भी कमांड को ऐड कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल्स बार वो कमांड होते हैं जिसका हमें बार बार यूज़ करना होता है और उसके शॉर्टकट की हमारे ये लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर में मौजूद होते हैं। नंबर वन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टू राइट द क्विक एक्सेस टूल्स बार। हम यहाँ पर इस एक्सेस क्लिक पे टूल पे क्लिक करेंगे
एंड क्विक प्रिंट पर क्विक एक्सेस हमारा ऑप्शन पुल डाउन होकर नीचे ओपन हो जाएगा. सेलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, इट विल अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल्स बार. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं. जिस भी कमांड को आप क्विक एक्सेस टूल्स बार में ऐड करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे. जैसे देखिए पहले यहाँ पे सेव अंडू रीडू इस पर क्लिक किया गया है तो ये ऑप्शंस हमारे यहाँ ऊपर में ऐड हो जाएंगे. रूलर, द रूलर इज ए स्केल एंड इज जस्ट इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप एंड द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. ये हमारा रूलर है जो एक स्केल का काम करता है और हमारे डॉक्यूमेंट में टॉप पर एंड लेफ्ट पर शो होता है. इट मेक ईजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विद द प्रिसीजन. इफ़ यू वांट यू कैन हाइड द रूलर टू फ्री अप मोर स्क्रीन पेज. रूलर की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मार्जिन को सेट कर पाते हैं एंड यदि आप चाहते हैं तो रूलर को आप हाइड भी कर सकते हैं स्क्रीन पर और बिना रूलर के भी आप पेज को स्क्रीन स्पेस बना सकते हैं. रूलर को हाइड करने के लिए ऑप्शंस देखेंगे. टू हाइड या व्यू द रूलर, नंबर वन क्लिक द व्यू रूलर आइकॉन ओवर द स्क्रॉल बार टू हाइड द रूलर. यहाँ पर हम व्यू रूलर का ऑप्शंस है ये देखिए, इसको हम क्लिक करेंगे एंड टू शो द रूलर क्लिक द व्यू रूलर आइकॉन अगेन. एक बार ये व्यू शो होगा और एक बार हाइड होगा. इस पर वापस क्लिक करके हम हाइड भी कर सकते हैं और यहीं से हम इसको शो भी कर सकते हैं रूलर को. तो अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है. इसके टू द मेन पॉइंट्स हम एक बार वापस रिविजन करेंगे. अ वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, स्टोर डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रिंट निकाल सकते हैं. एमएस वर्ड इज अ मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर अमंग ऑल वर्ड प्रोसेसर. एमएस वर्ड सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है सभी वर्ड प्रोसेसर्स में. रिवन हैज टू टैब्स, टैब्स एंड ग्रुप्स. रिवन के दो पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स. द क्विक एक्सेस टूल्स बार इज यूज टू प्रोवाइड शॉर्टकट्स ऑफ फ्यू कॉमनली यूज प्रोग्राम. क्विक एक्सेस टूल्स बार का यूज़ हम शॉर्टकट्स बनाने के लिए करते हैं. शॉर्टकट्स प्रोवाइड करवाते हैं जिस कमांड्स को या जिस प्रोग्राम को हम बार बार यूज़ करते हैं. द रूलर इज द स्केल प्रेजेंट एट टॉप एंड लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. रूलर एक स्केल की तरह दिखता है या स्केल होता है जो टॉप पर एंड डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है. तो आज के लिए इतना ही. आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. और इस चैप्टर्स के बुक पोर्शंस जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. बाय.